हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी सभी। तो आज हम आ चुके हैं जहाँ दिवाली बनती है। आप लोग भी जलाते होंगे दीपावली पर दिवाली। तो हाँ, तो सबसे पहले हम इन भैया से अपना नाम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? पवन राज प्रजापति। हाँ, तो आप ये काम कब से करते हैं? 2 महीने। 2 महीने में? तो आप मतलब आपके घर में ही काम होता है? तो दिखाएं ये कुछ ऐसे प्रकार से दिवाली बना रहे हैं। सरकार ने इन्हें दी है ये मोटर चाक जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो इनके लिए बहुत आसान काम हो गया है। तो देखिए कैसे बना रहे हैं भाई साहब दिवाली। तो हम चल के और आपको दिखा। तो ये देखिए, ये इन्होंने अभी इतनी दिवाली बनाई क्योंकि यहाँ 10 बजे ही काम स्टार्ट होता है। चाहे जितना भी इमरजेंसी हो, ये 10 बजे ही काम स्टार्ट करते हैं। तो इनकी मतलब कितने इसमें साइनिंग है आपको दिख रही होगी। ये देखिए एक बराबर सब बन रही है। तो यहाँ और काम भी होता है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ मूर्ति बन रही है। ये देखिए कैसे सांचे में भरा जा रहा है। तो हम इन भाई साहब से इनका नाम पूछेंगे। आपका नाम क्या है? हाँ, तो ये इनका मतलब यही काम ही है। तो ये देखिए बना रहे हैं इसे। यहाँ बनाने के बाद ऐसे चिकनाया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम आपको आगे दिखाएंगे इसका मतलब बनने के बाद कैसे लग रहा है। तो ये है कुछ मूर्तियाँ, इसमें भी नाग लगना बाकी। जो यहाँ सर है, सर पर मतलब नाग लगेगा। तो ये अभी ताज़ा ही है, हम इसको छू नहीं सकते हैं। चलिए और कुछ भी दिखाएंगे। गाइस यहाँ दुकान भी लगती है मिट्टी की, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ इनके यहाँ इतने सारी चीज़ बनते हैं, गुल्लक से लेकर दिवाली चिलीम सरी गगरी उगरी सब बनती हैं। तो जैसा कि यहाँ हम आपको अंदर भी दिखाएंगे। गाइस ये आप देख रहे हैं, यहाँ चिलीम भी रखी हुई है, और ये वाली चिलीम है, और ये दिवाली भी यहाँ है खूब सारी। और ये इतने गुल्लक हैं, कितने बड़े बड़े गुल्लक हैं। ये तो भाई राजा महाराजा समय इतने बड़े बड़े गुल्लक हैं। और ये गगरी हैं, और काफ़ी चीज़ गुल्लक हैं, छोटे छोटे गुल्लक हैं। एक हुक्का जो हमारे बाबा लोग पीते हैं वो हुक्का है ये, और काफ़ी चीज़ है। और अंदर चलते हम आपको दिखाएंगे। ये इसे इस तरह भरा जाता है, भरने के बाद इसे छील रहे हैं साइड से, अब अंदर से सही कर रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। काफ़ी मतलब टाइम लगता है मूर्ति को भरने में। तो ये भर रहे हैं, अब इसके नीचे से वो लगाएंगे एक, और ये दबा रहे हैं उसको, और इधर मतलब छील के चिकनाया जाता है तुरंत ताजे में। ये देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। गणेश भगवान, शंकर भगवान और पार्वती माता की मूर्ति है, जो बिकती हैं सावन में भी तीज पर, ये ज़्यादा बिकती हैं। और ये देखिए फाइनली बनकर निकल रहा है, निकालने में बहुत दिक्कत होती है। ये त्यौहार के लिए बनाया जा रहा है, ऐसे लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है। चलते हैं, हम आपको और भी चीज़ दिखाएंगे। गाइस यहाँ इतनी सारी दिवाली रखी हुई है, तो जैसा कोई आपको दिख रहा है दिवाली कितनी सारी हैं, तो ये सब दिवाली पर बिक जाती हैं। यहाँ दूर दूर से लोगों को मतलब यहाँ जान पहचान है, यहाँ लोग आते हैं दूर दूर से दिवाली लेने के लिए। तो गाइस ये है कुड़वा, जो आप लोग डाला छत पर जो पूजा जाता है ना, तो ये कुड़वा है। ये काफ़ी सारे हैं, और यहाँ ये भी बनाया जाता है। ये काफ़ी सारे दिख रहे हैं, कितना मतलब एक मॉडल इसका देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये है कंडी उपला जिसे बोलते हैं, इससे ही उसको पकाया जाता है। तो ये काफ़ी चीज़ें यहाँ देखिए दिख सकते हैं आप वीडियो में कि यहाँ कितनी सारी गगरी हैं। ये भी गगरी कलसा, और ये है कुमरिया, ये जलहरी जिसको बोलते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसमें जल भरा जाता है, और ये है कलसा। मतलब यहाँ काफ़ी चीज़ हैं, देख यहाँ कितना काम होता है, हर चीज़ बनता है। आपको देख सकते हैं कि यहाँ गुल्लक भी है, ये गुल्लक काफ़ी अच्छा लग रहा है छोटा छोटा। ये 10 रुपए का गुल्लक यहाँ बेचते हैं ये भाई साहब। तो इनके यहाँ खाली यही काम ही होता है, हर चीज़ मिल जाएगा आपको, माटी की चीज़।
तो ये कौसाम्बी ज़िले के कशिया गांव में रहते हैं, मूरतगंज निवास है इनका। हाँ तो इनकी एक मतलब कि यहाँ जहाँ रखते हैं तो आपको हम दिखा रहे हैं, ये काफ़ी सारी गगरी हैं, मतलब यहाँ बरसात के समय काफ़ी मतलब इनका छपरी उपरी जो है यहाँ पानी चूता है। कच्चा घर है इनका, काफ़ी पक्का नहीं है। इन लोगों ने पेड़ भी लगा रखा है, जैसे अमरूद का पेड़ है। तो काफ़ी हम और अंदर चलते हैं, तो हाँ तो हम अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ गगरी रखी है छोटी सी बड़ी, मतलब यहाँ गंदियों की माटी बहुत गिरता है ना, वो बड़ी गगरी और ये गुल्लक इतने सारे, इनके पास कम से कम लाखों हजारों मतलब सामान है, लेकिन आइटम के मामले में तो हजारों चीज़ बनाते हैं। हेलो गाइस, तो हाँ ये अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप आ सकते हैं कशिया में।